हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर क्लास 8। हिंदी मीडियम में हम इस चैप्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम में चैप्टर को रीड करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर विजिट करके आप कंप्लीट चैप्टर को रीड कर सकते हो। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं और बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट इज शॉइंग, ठीक है। शॉइंग इज बीज बोना, यानी अब मिट्टी जो है प्रिपेयर हो चुकी है, सॉइल प्रिपेयर आपने कर ली, अब उसके अंदर क्या डालना है, उसके अंदर हमें बीज डालना है। नाउ शोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। तो आपने सुना ही हुआ है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अब बोना जो है क्या पड़ेगा, अच्छा सीड जो है बोना पड़ेगा, तभी जो क्रॉप है वो भी कैसी होगी, अच्छी होगी। सो गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। तो आपको हेल्दी सीड्स जो है उनका सिलेक्शन करना होगा। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। सो नाउ, और इसका सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड प्योर सम वाटर ऑन देम। ओके, आफ्टर अ फ्यू मिनट क्या होगा, सम सीड्स स्टार्ट टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। आपको सीड्स लेके आप घर में भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ सीड्स लेकर आप उसको पानी में डाल के देखिए, आप देखोगे कुछ सीड्स तो फ्लोट करने लगते हैं और जो कुछ सीड्स हैं वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ। टेक अ बीकर एंड फर्स्ट फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम। सो यू विल सी दैट द सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर दे विल बी लाइटर एंड हैवियर देन दोज विच सिंक। ओके, तो वे लाइटर क्यों हैं, वाई वुड दे बी लाइटर। डैमेज सीड्स बिकम होलो, यानी जो लाइटर सीड्स हैं वो डैमेज हैं, वो अंदर से खोखले हैं, एंड सो दे आर लाइटर एंड देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर। सो दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। जो हेल्दी सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो डैमेज सीड्स हैं वो वाटर पे फ्लोट करेंगे। नाउ बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क is know to about the tools used for sowing seeds। तो इसमें भी हम टूल्स का यूज़ करते हैं कि किस तरह से जो सीड्स हैं उनको बोया जा सकता है। सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक है फनल एंड द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल। उस फनल में डाल दिए जाते हैं। अभी आप डायग्राम देखिए, पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप हैविंग शार्प एंड्स एंड दीज एंड स्पर्स इन टू द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर। ओके, तो उसमें जो है सीड्स को डाला जाता है। तो कुछ इस तरह से ये एक आप कह सकते हो टूल है। इसमें ये एक फनल टाइप में जो है लगा हुआ होता है, इसके साथ पाइप्स हैं और यहाँ पर नीचे जैसे जैसे जो सॉयल है वो उखड़ती है, यहाँ पर लगातार सीड्स डाले जाते हैं और पाइप के थ्रू जो सीड्स हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड था। अब हालांकि काफ़ी मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो आ चुकी हैं। नाउ आप डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मॉडर्न टेक्निक आप कह सकते हो, ये है सीड ड्रिल। नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, जिसमें टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम लगती है। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। अब जो पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, उसमें क्या है कि एक साथ ज़्यादा सीड्स भी डल सकती हैं, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो मैन्युअली काम हो रहा है। लेकिन सीड ड्रिल जो मेथड है, इसमें जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर होगी और इसके अंदर क्या होगा कि जो सीड्स डलेंगे वो भी यूनिफॉर्मली डलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉयल आफ्टर सोइंग, दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। यानी जो मिट्टी है वो सॉयल के नीचे ये सीड्स चले जाते हैं थोड़ा सा डीप में, और उससे फिर ऊपर सॉयल आ जाती है, तो इनको जो है बर्ड्स वो भी डैमेज नहीं कर पाते। शोइंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर कैप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दीज कैप्ट लाइक दिस। तो आपको पता है नर्सरी में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो छोटी छोटी जो बैग्स हैं पॉलीथीन्स हैं उनके अंदर रखे हुए होते हैं। ऐसा क्यों रखे हुए होते हैं वो। सो सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स,
सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. सो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं लाइक हम एग्जांपल लेते हैं पैडी का, जिसमें पहले वो नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं और जो ये ग्रो किए जाते हैं व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये पहले ऐसे ग्रो किए जाते हैं और बाद में फिर इनको जो मेन फील्ड है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, उनके अंदर लगा दिया जाता है. सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी. नाउ an appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plant. अब आप देखिए अगर एक ही जगह पे आप बहुत सारा सीड डाल दोगे तो क्या होगा, उनकी overcrowding हो जाएगी और वो जो है अच्छे से grow नहीं करेंगे. So this allow plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometime a few plant have to be removed to prevent overcrowding. तो यानी अब क्या होगा कि उनको जो है एक जगह पे अगर ज़्यादा overcrowding हो गई है तो उनको proper sunlight, nutrients, water नहीं मिलेगा, इसीलिए overcrowding को जो है हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको remove करने पड़ेंगे कुछ plants. Now adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जैसे कि आपको पता है बच्चों, जिस तरह हमें हमारे खाने में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे मिनरल्स हमें चाहिए, उसी तरह प्लांट्स को भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए, उनको मिनरल्स चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स चाहिए उनको अच्छे से ग्रो करने के लिए. तो ये उनको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, उनको मिनरल्स मिलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर से. जिस तरह हमें खाने से मिनरल्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लांट्स को मिलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर से. सो जो ये सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल के अंदर मिलाए जाते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स दैट आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक. Why do some plants grow better than others? Very simple. जिस plants को अच्छे से आप manure दोगे, fertilizers दोगे, care करोगे, वो plants अच्छे से grow करेंगे. लेकिन जिनको ऐसे nutrients नहीं मिलेंगे वो plants weak होंगे. So soil supply mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of the plants. In certain areas the farmer grow crop after crop in the same field. यानी एक ही जो field है उसके अंदर बार बार वही crop को जो है आप उगाते हो तो उससे उस crop के अंदर जो nutrients हैं वो कम हो जाते हैं. Now the field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. यानी आप एक ही field पे बार बार एक ही जो crop है उसको लगाओगे तो क्या होगा, उसमें nutrients कम हो जाएंगे. यानी जैसे अगर आप लगातार wheat लगा रहे हो तो wheat को nitrogen ज़्यादा amount में चाहिए होती है. अब जब बार बार उसमें लगाएंगे तो soil के अंदर क्या होगा, जो nitrogen है उसकी कमी हो जाएगी, जिससे जो अगली crop है वो अच्छे से नहीं होगी. So continuous growing of crop make the soil poor in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसीलिए उसकी soil के अंदर nutrients को rich करने के लिए क्या डाला जाता है, manure या fertilizer डाला जाता है. And this process is called manuring. इस process को हम क्या बोलेंगे, manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. Okay, manure is an organic substance. Manure क्या है, it's a organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. जो भी प्लांट और एनिमल वेस्ट हैं, प्लांट लाइक लीव्स, डैमेज लीव्स होती हैं, ठीक है, स्टेम और रूट्स जो डैमेज हो जाती हैं, एंड एनिमल वेस्ट जो भी है लाइक फलों के छिलके आप कह सकते हो और वेजिटेबल्स कह सकते हो, एनिमल वेस्ट लाइक डंग है, दीज ऑल दे डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे फॉर्म मेन्योर. प्लांट्स फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स. पिट्स यानी जो गड्ढे हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज.
Now, the decomposition is caused by some microorganisms and the decomposed matter is used as organic manure. इसको क्या बोला जाएगा? Organic manure. और इसके बारे में आप जो है क्लास सिक्स में भी पढ़ चुके हो, साथ ही साथ आप वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी पढ़ चुके हो. वर्मी कंपोस्टिंग यानी वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? ये एक जो खाद जो मेन्योर तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए अर्थवर्म. ठीक है, अर्थवर्म जो है वो छोड़ दिए जाते हैं एंड उनसे जो मेन्योर बनता है दैट इज़ वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. बहुत ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में. नाउ एक्टिविटी 1.2, ये एक्टिविटी आप जो है इजीली घर पे भी करके देख सकते हो. इस एक्टिविटी में आप क्या करोगे? यू विल टेक 3 वेसल्स ए बी एंड सी. आप ए में क्या डालोगे? ए में आप जो है मेन्योर डाल दो एंड बी में आप फर्टिलाइजर डाल दो और सी में आप कुछ भी मत डालो, ना मेन्योर एंड ना फर्टिलाइजर्स. उसके बाद आप जो ए बी सी वेसल्स में जो आपने प्लांट ग्रो किए हैं आप उनकी ग्रोथ को देखिए. कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ए के अंदर जिसमें आपने क्या डाला है? मेन्योर डाला है. बी में आपने फर्टिलाइजर डाला है. सी में आपने ना मेन्योर डाला है ना फर्टिलाइजर. तो किस वेसल्स के अंदर जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो बेटर होगी? तो किस में होगी बेटर? आपको मिलेगी बी में, ठीक है, जिसमें आपने फर्टिलाइजर डाला है. आफ्टर दैट ए में मिलेगी जिसमें आपने मेन्योर डाला है एंड आफ्टर दैट सी में मिलेगी जिसमें आपने कुछ नहीं डाला. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फर्टिलाइजर है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मैन्योर. और सी में तो कुछ भी नहीं डाला, इससे क्या होगा? इसके जो प्लांट्स हैं सी वेसल के उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं होगी. तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ के ईजिली इसको समझ सकते हो. नाउ डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? तो हमने किया है कि जो बी है उसके अंदर बेटर ग्रोथ होगी. इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? वो भी किस में होगी? बी में होगी. Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. So fertilizers जो हैं वो क्या हैं? These are the chemical substances जो कि nutrients में rich होते हैं. ये हम पहले भी बता चुके हैं. How are these different from manure? ये हम करेंगे. Fertilizers are produced in factories. तो आपको ध्यान रखना है जो manure है वो decomposition से बनता है by microorganisms और fertilizers ये factories में तैयार किए जाते हैं. And some examples are very important. Urea, ammonium phosphate, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटास, एनपीके. एनपीके इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. नाउ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज. इससे जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो बेटर होगी और फार्मर्स को इससे जो है बेनिफिट होगा. बट यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी हैं दैट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉयल लेस फर्टाइल. अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो क्या होगा? जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी, यानी उसकी जो एक आप कह सकते हो उर्वरक शक्ति, वो जो यानी आप कह सकते हो उसकी उर्वरता फर्टिलिटी वो कम हो जाती है. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. ओके, फर्टिलाइजर्स ये वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मेन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. यानी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए या तो आप जो है ऑर्गेनिक मेन्योर का ज़्यादा यूज़ कीजिए या हम क्या कर सकते हैं कि एक जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं, यानी विदाउट क्रॉप उसको कुछ टाइम तक हम उसको छोड़ सकते हैं. नाउ द यूज़ ऑफ मेन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्स्चर एज वेल एज इज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. सो मेन्योर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द सॉइल. उससे क्या होता है? सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ वाटर को रिटेन यानी वाटर को अपने साथ बांधे रखने की जो टेंडेंसी है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स. उसे न्यूट्रिएंट्स भी वो जो है रिच हो जाते हैं. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स. क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं कि एक क्रॉप के बाद दूसरी कुछ इस तरह की क्रॉप हम ग्रो करते हैं जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें.
दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, यानी एक के बाद सेम क्रॉप लगाने की बजाय दूसरी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, दैट इज़ अ क्रॉप रोटेशन. अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन. सो क्या करते हैं फार्मर्स, एक सीजन में वीट अगर ग्रो कर लिया तो दूसरे सीजन में लेग्यूम यानी दाल प्लांट हैं या इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, वो जो है ग्रो करते हैं. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉयल विद नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन जो है रिच हो जाते हैं. फार्मर्स आर बींग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. सो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है. राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में इस तरह जो है नॉट्स होती हैं, गांठें, और ये जो नॉट्स होते हैं इनके अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं. और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन है उसको एयर के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं. सो दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉयल. नाउ लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर. फर्टिलाइजर क्या है, इट्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और जो मेन्योर है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू. फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल, दैट जो फर्टिलाइजर है ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉयल को, बट जो मेन्योर है इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉयल एंड दिस ह्यूमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप. नाउ फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जो मेन्योर है दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. नाउ there are some advantages of manure, let's read it. The organic manure is considered better than the fertilizer. kyun ye better hai, it enhances the water holding capacity of the soil. water holding jo capacity hai soil ki, ye isko enhance karte hain. it make the soil porous due to which exchange of gases become easy. ye hum kar chuke hain ki isse jo soil hai usme kya hota hai, soil porous ho jati hai, yani usme ek tarah se jo exchange of gases hai wo easy ho jayega. एंड इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होता है. इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ सॉइल, सॉइल का टेक्स्चर वो भी क्या होगा, इट ऑल्सो इम्प्रूव. सो हम यहाँ तक हम करेंगे, बाकी जो इरीगेशन है इसके अलावा हार्वेस्टिंग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एंड लास्ट स्टोरेज वो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे. एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन.